हो चुका आगाज रण का युग बदलने की है तैयारी, हो चुका आगाज रण का युग बदलने की है तैयारी, जीत होगी उसी की जिसका संघर्ष अभी भी है जारी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की पढ़ाई बड़े जोरों शोरों से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2023 के बजट सत्र में लगभग 1,00,000 पदों के लिए वैकेंसीज निकलने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, और ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि सबसे अधिक पद राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए निकलने वाले हैं। तो दोस्तों, इंतजार किस बात का? यदि आपका भी सपना है अपने बदन पर वर्दी धारण करके देश की सेवा करने का, अपने संघर्ष को सफलता में बदलने का, तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत कारगर सिद्ध होने वाला है। वीडियो से संबंधित जानकारी शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती से संबंधित जानकारी। सबसे पहले हम बात करते हैं नोटिफिकेशन की। दोस्तों, जब भी हम किसी फॉर्म को फिल करते हैं तो उसके लिए हमारे मन में एक ही सवाल होता है कि इसका नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा। दोस्तों, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इसका नोटिफिकेशन या तो मार्च के अंतिम सप्ताह तक या फिर अप्रैल के पहले सप्ताह में इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इसी कड़ी में हम बात करते हैं पद की। पद किसी भी परीक्षा के लिए हमारे पदों के आंकड़ों को देखकर हम ललचा जाते हैं, तो इसके लिए जो अनुमानित पद हैं वो 10,000 माने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 10,000 कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं होता है। अभी तक जितने भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षाएं हुई है उसमें यह सबसे बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है। फिर योग्यता, जब भी हम किसी परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो हम ये देखते हैं कि मैं इस परीक्षा के लिए योग्य हूँ या नहीं। जो व्यक्ति, जो विद्यार्थी 12वीं पास कर लेता है, 12th पास कर लेता है, उसके साथ में अगर उसकी CET क्लियर हो जाती है तो वह कांस्टेबल के लिए पूरी तरह से एलिजिबल होता है। तो दोस्तों, यदि आपने 12th पास कर लिया है, CET आपकी क्लियर हो गई है, तो आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए तैयारी कर सकते हैं। फिर आयु की, पिछली परीक्षाओं में जो आयु का आकलन रखा गया था वही उसी के अकॉर्डिंग डेट चेंज करके आपके नोटिफिकेशन में बता दिया जाएगा। फिर बात करते हैं हम पेपर पैटर्न की। दोस्तों, इसमें पेपर पैटर्न दो तरह से होता है। एक होता है लिखित परीक्षा के रूप में, यानी कि जो आपके रिटन टेस्ट होता है उसकी बात कर रही हूँ, और एक होता है आपका शारीरिक परीक्षण। जी हाँ दोस्तों, शारीरिक परीक्षण, लिखित परीक्षा जो होती है वह आपके 150 प्रश्नों की होती है, 2 घंटे का पेपर होता है, और सारे प्रश्न इसमें ऑब्जेक्टिव ही पूछे जाते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको एक जानकारी से अवगत करा दूं कि यदि आपने लिखित परीक्षा पास कर ली है तो आपके शारीरिक परीक्षण को पास कराना, फिजिकल टेस्ट को पास कराना भी अनुष्का अकेडमी की ही जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि यहाँ पर समय समय पर सिविल सर्वेंट्स के द्वारा मार्गदर्शन दिया जाता है। फिर हम बात करते हैं सिलेबस की। सबसे पहले हम बात करते हैं GK, फिर वही राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, कंप्यूटर, तार्किक दक्षता, फिर महिला तथा बाल अपराध आदि से संबंधित प्रश्न कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए पूछे जाते हैं। फिर हम बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए नेगेटिव मार्किंग होती है। इसी के साथ दोस्तों, देखो मैं आपको इस जानकारी से अवगत करा दूं कि ये वो चमके हुए सितारे हैं जिन्होंने अपने माता पिता का तो नाम रोशन किया ही है, उसके साथ में अनुष्का परिवार का नाम भी रोशन किया है। दोस्तों, इस जानकारी से अवगत कराऊं कि विगत वर्षों में विधवा, परित्यक्ता, ST की महिलाओं तथा बालिकाओं के लिए
कलेक्टर आनंदी मैम तथा आईजी विनीता मैम के निर्देशन में अनुष्का एकेडमी में निःशुल्क कोचिंग करवाई गई थी कॉन्स्टेबल के लिए, जिसमें 75 विद्यार्थियों में से 18 विद्यार्थियों का अंतिम रूप से चयन हुआ था। इसी के साथ सरकार द्वारा जो मुख्यमंत्री कोचिंग योजना चलाई जा रही है, वह भी पूरे उदयपुर संभाग में सिर्फ और सिर्फ अनुष्का एकेडमी में ही संचालित हो रही है। सरकार के TRI और TAD डिपार्टमेंट के निर्देशन में अनुष्का एकेडमी समय समय पर निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराती रही है, जिससे अनेक विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया है। दोस्तों, यदि आप भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो जल्दी से अनुष्का एकेडमी से जुड़ जाइए। अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अनुष्का एकेडमी पर विजिट कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।